परवर्ती खबर को आसवा दिल्ली में स्थिति जटिल तीन दिन तले पॉजिटिव संख्या दुई दिन है प्राय अधा है किंतु टेंशन बढ़ुची पूर्वठारु संक्रमण संख्या अधिक रोकता बेले मृत्यु संख्या बढ़ुची तेणु जातीय राजधानी में पुणी थरे ताला झुलिबा को केजरीवाल सरकार चिंता करुछंती। दिल्ली को फेरी पारे लॉकडाउन महामारी कोरोनार तृतीय लहरी एभली परिस्थिति सृष्टि कला तीन दिन तले दिल्ली रु दैनिक 6000 रु अधिक संक्रमित बाहर बेले दुई दिन है प्राय अधा हो गत 24 घंटा रे दिल्ली रु 3797 जन पॉजिटिव बाहर अनेशत जनों मृत्यु होई समय मध्य सुस्थ होती 29821 जन तथापि अधिक कटकणा लागू करने लगी सुपारिश कर केजरीवाल सरकार दिल्ली में कंटेनमेंट जोन संख्या 4430 को वृद्धि करवाह कार्यक्रम में 200 बदल 50 जन करने को निष्पत्ति होची। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे अब दिवाली खत्म हो गई है हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। गत सप्ताह दिल्ली में पॉजिटिव हार 15.33% चलित सप्ताह 13% को खसी कोरोनार तृतीय लहरी चली मेडिकल भित्तिभूमि वृद्धि उपरे गुरुत्व देखते स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना रोगी 16500 बेड संरक्षित अच्छी एवं आउ 8000 उपलब्ध कर तो 15.33 से अब धीरे 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 नीचे जा रहा है। आप डेली देखिएगा आप 1 लाख या 5 लाख कर लीजिए तो भी डाउन ही जाएगा ज्यादा नहीं। दिल्ली में संक्रमण बढ़ुवा बड़े मृत्यु हार बढ़ुची जहाँ को चिंता प्रकट कर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय बेड संख्या एवं टेस्टिंग गुरुत्व देती केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय एम्स और सफदरजंग हस्पिटाल अतिरिक्त डाक्तर को दिल्ली सरकार अधीन हस्पिटाल को पठा जा अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, उनका नंबर उनका बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स की कोई इशू नहीं है ऑक्सीजन बेड्स का कोई इशू नहीं है दिल्ली में लेकिन आईसीयू के ऊपर बोझ पड़ रहा था तो उसको बहुत तेज गति से उनका नंबर बढ़ाना और उनकी व्यवस्था में सुधार लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है और फैसला हुआ था तो उसके चलते जो एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कल परसों तक 3500 आईसीयू बेड की थी लगभग 3523 अगर स्पेसिफिक नंबर पे जाएं तो पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये कैपेसिटी 6000 आईसीयू बेड से भी ऊपर चली जाएगी। दिल्ली स्थिति को नीति आयोग सदस्य मध्य चिंता प्रकट कर बेड संख्या और टेस्टिंग वृद्धि उपरे जोर देखते नीति आयोग सदस्य बीके पॉल पूर्वापेक्षा संक्रमण बढ़ु स्थिति नियंत्रण पर समस्त पदक्षेप नि हजार बेड विशिष्ट पुणी एक कोविड हॉस्पिटल होती जो बहु संख्यार आईसीयू बेड रही बाहर राज्य 75 जन डाक्तर डक दिल्ली सरकार दैनिक टेस्टिंग क्षमता 1 लक्ष एस चारोटी टीकारु 3 टीकार फेज 3 ट्रायल चली खूब शीघ्र टीका आसोरी नीति आयोग सदस्य बीके पॉल जो वैक्सीन हैं ट्रायल्स वो ठीक चले हुए हैं फेज 3 में अब हमारे सीरम वाला वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो सीरम यहाँ पे कर रहे हैं आईसीएमआर के साथ मिलके वो फेज 3 उनका ठीक चला हुआ है लगभग कंप्लीट हो गया है फॉलोअप रह गया है बहुत प्रोग्रेस है। भारत बायोटेक आईसीएमआर जो वैक्सीन है वो भी सरकार के साथ मिलकर
काम कर रहे हैं वो अब आगे बढ़ गया है, फेज थ्री शुरू हो गई है, फेज टू के रिजल्ट्स कभी भी एक्सपेक्टेड हैं। कैडिला वाले फेज टू कंप्लीट कर चुके हैं, रिजल्ट्स आने की वेट हो रही है, फॉलो अप पीरियड खत्म होने की बात हो रही है। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो स्पुतनिक फाइव रशियन वैक्सीन है जो हमारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ कोलैबोरेशन में आगे बढ़ रहा है उसकी भी ट्रायल की फेज टू गोइंग टू फेज थ्री इकट्ठा ट्रायल जो उसकी परमिशन उनको मिली है उसका काम भी पूरी तैयारी हो गई है और जल्द ही जल्द सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि अगले हफ्ते तक वो भी ट्रायल इस धरती पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई का एक अर्ली फेज वन फेज टू ट्रायल है वो भी हो गया, तो पांच वैक्सीन कम से कम भारत की भूमि पर आज ट्रायल में सम्मिलित हैं वेरियस फेजेस में और उनमें से दो जो हैं फेज थ्री में हैं और रशियन वाला थोड़ा सा फेज थ्री से हटके है, थोड़ा पीछे है। दिल्ली में कोरोना तृतीय लहरी को लेकर किसी दिन तले चिंता प्रकट करते केंद्र गृहमंत्री अमित शाह परिस्थितिर समीक्षा करी चिकित्सा सुविधा बढ़ावा परामर्श देते। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।